कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जब से सदन शुरू हुआ छोटे दल के लोगों को बुला देते हैं, उनके सदस्य को विपक्ष को बोलने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से कल भी शुरू किया, अभी शुरू ही किया बोलना, भी बीच में ही लाइन काट दिया, आवाज को बंद कर दिया। इन्होंने जैसे ही हमने 10 लाख नियुक्ति पर सरकार का जवाब मांगा, लेकिन जैसे ही हमने अभी शुरू ही किया माइक बंद कर दिया गया। हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने किस तरह से बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाला है। जंगल राज को जनता राज बताने वाले अब गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। आसन सरकार के दबाव में सरकार के इशारे पर काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के विधायक को मार्शल के द्वारा टांग कर बाहर निकाला गया। उसके बाद देखिए किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा हैं वो बाहर निकले हैं और मार्शल को टांग कर बाहर निकाला गया। तो खूब बोल रहे हैं कि जैसे ही विपक्ष के लोग नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो माइक का लाइन काट दिया जाता है, कैमरा को विपक्ष की ओर से घुमा दिया जाता है। क्या कुछ करें विजय कुमार सिन्हा, पहले आप वो सुने। आज सदन के अंदर हमारे माननीय विधायक सभी पहुंचे थे और माननीय अध्यक्ष जो सदन के कस्टोडियन हैं, हमने कहा कि आप हमें दो शब्द रखने दें। ये परंपरा भी रहा है कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। जब से सदन शुरू हुआ छोटे दल के लोगों को बुला देते हैं, उनके सदस्य को विपक्ष को बोलने नहीं देते। बड़ी मुश्किल से कल भी शुरू किया, अभी शुरू ही किया बोलना, भी बीच में ही लाइन काट दिया, आवाज को बंद कर दिया। आज भी इन्होंने जैसे ही हमने 10 लाख नियुक्ति पर सरकार का जवाब मांगा कि आपके उप मुख्यमंत्री पहला कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख बिहार के नौजवानों को रोजगार देंगे, मुख्यमंत्री बैठे हैं जवाब दें, समान वेतन, समान काम का समान वेतन, इस पर जवाब दे सरकार, भ्रष्टाचार अपराध पर जवाब दे सरकार। लेकिन जैसे ही हमने अभी शुरू ही किया माइक बंद कर दिया गया, कैमरे को विपक्ष के तरफ से हटा दिया गया। हमारे माननीय सदस्य ने कैमरे वाले को कह रहा था कि विपक्ष के तरफ कैमरा क्यों बंद कर दिया। हमारे माननीय सदस्य को मार्शल ने किस तरह से बेरहमी से अपमानित करके बाहर निकाला है। हमारे सदस्यों ने इसका विरोध किया है। ये आसन ट्रेजरी बेंच के इशारे पर काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये मुख्यमंत्री के मौजूदगी में घटना घटी है। ये भ्रष्टाचारी और अपराधी को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर आज मौन धारण किए हुए हैं। ये कांग्रेस के संगति में अघोषित आपातकाल सदन के अंदर और सदन के बाहर लगाना चाहते हैं। ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले अब गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। कतई नहीं सुरग स्वीकारेंगे। इस गुंडा राज के विरोध में हम सभी अब यहाँ से सदन में जब आवाज ही नहीं सुनी जाएगी फिर सदन में बैठने का क्या उचित है। कल भी हमने प्रश्न उठाया कि हमारे सदस्यों का पूरक नहीं सुनते और हमारा प्रश्न नहीं आए। आप सत्ताधारी दल के सदस्यों का पूरक का बौछार लगाने का मौका देते हैं। आसन को निरपेक्ष होना चाहिए। आसन सदन का कस्टोडियन है, लेकिन आसन सरकार के दबाव में सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये पूर्णतः अघोषित आपातकाल लगा है जिसका हमने विरोध करके बहिर्गमन किया है और अब सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। ये न्याय नहीं देंगे और नहीं न्याय देंगे तो फिर मैं दो विधानमंडल के हमारे जो कस्टोडियन माननीय राज्यपाल महोदय हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा। तो अभी आप नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे, किस तरीके से वो बरस रहे हैं, गठबंधन की सरकार पे बरस रहे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जैसे ही हम लोग सवाल करते हैं वैसे ही कैमरा को बंद कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। क्या कुछ कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, वो आप सुन रहे थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।